जय हिंद। आज का हमारा विषय नासा द्वारा ग्रहों पर जीवन की तलाश और एलियन। क्या ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी जीवन है? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एलियन की खोज से जुड़े मिशन में रेडियो सिग्नल से लेकर स्पेस क्राफ्ट तैनात किए हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत के लिए रोवर भेजे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है जिससे साबित हो सके कि एलियंस हैं। आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं, इस पर नासा का क्या कहना है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से कहा गया है कि अभी तक एलियंस की खोज नहीं हो पाई है। हालांकि इसको नकारा भी नहीं जा सकता। नासा की खगोल वैज्ञानिक लिंडसे हैज का कहना है कि हम सभी सबसे मुश्किल सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि क्या धरती के अलावा कहीं और भी जीवन है या नहीं। आखिर दुनिया में एक बार फिर एलियंस को लेकर बहस क्यों छिड़ गई है? दरअसल अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारियों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के पास एक UFO मौजूद है। यह दावा अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने किया है। उनका कहना है कि UFO के अलावा अमेरिका के पास एलियन का शव भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह इसकी पुष्टि नहीं करते। नासा लंबे समय से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रयासों के बावजूद अभी तक एलियंस जीवन को नहीं खोज सका है। डॉक्टर हैज ने कहा है कि हम ऐसी जगहों की खोज करते हैं जहां पर जीवन हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमने अब दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज शुरू कर दी है। मंगल ग्रह पर 5 रोवर और 4 लैंडर भेजे गए हैं। उनके शानदार कैमरे मंगल ग्रह की तस्वीरें खींच रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हम उसका एक छोटा सा भाग देख सके हैं। सौरमंडल में कई और स्थान हैं जहां पर जीवन हो सकता है। शनि के चंद्रमा एनसेलेडर और बृहस्पति के चांद यूरोपा जैसे बर्फीले चांद पर जमीन के अंदर महासागर छिपे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन महासागरों में जीवन हो सकता है। इसके अलावा नासा दूसरे नासा तारों के आसपास मौजूद ग्रहों की भी खोज कर रहा है। जय हिंद।